राधे राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो निर्जला एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी से संबंधित आप लोगों के बड़े सारे प्रश्न हैं, जैसे कि क्या दीदी कुल्ला करने से निर्जला एकादशी का व्रत टूट जाएगा, क्या थूक निकलने से निर्जला एकादशी का व्रत टूट जाएगा। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्या थूक निकलने से निर्जला एकादशी का व्रत टूट जाता है या फिर कुल्ला या आचमन करने से निर्जला एकादशी का व्रत टूट जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों से ये बात हमेशा कहती हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट, जैसे कि कोलगेट हो गया और भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, टाटा का दंत मंजन आता है, मतलब कोई भी पेस्ट आपको एकादशी पर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान आया है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी पे किसी, क्योंकि उसमें नमक होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, या तो फिर आपके पास प्रॉपर घर का बना हुआ आयुर्वेदिक पेस्ट हो तो आप वो कर सकते हैं, जैसे कि लौंग से और इलायची से मिला के बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये बात तो रही केवल और केवल पेस्ट करने की, मतलब हर एकादशी के बारे में। लेकिन ये निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता, तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर हम पेस्ट करेंगे तो क्या हमारा व्रत जो है वो टूट जाता है, या फिर हम लोग आचमन करते हैं, क्योंकि आचमन के बिना तो पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ नहीं होती है। अगर आप लोगों को आचमन करना पता है कि नहीं पता, कमेंट्स करके ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आचमन करना ही नहीं पता होता है। तो अगर आप लोगों को आचमन करना नहीं पता तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आखिर एकादशी पर आचमन कैसे किया जाता। रही बात कुल्ला करने की, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो बिना कुल्ला के आपकी शारीरिक शुद्धि नहीं होती, और किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना के लिए शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी एकादशी होती है तब आपको पेट क्लीन जरूर करना चाहिए, अर्थात वॉशरूम बहुत जरूर जाना चाहिए और पोटी जरूर आनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की शारीरिक शुद्धि होती है। व्रत जो है वो केवल ना केवल शारीरिक रूप से रखा जाता है, जबकि मानसिक और वाचिक रूप से भी व्रत रखा जाए तो व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। शारीरिक शुद्धि में हमको कुल्ला करना जरूरी है, शारीरिक शुद्धि में मोशन ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धि में स्नान करना जरूरी है। मानसिक शुद्धि में क्या होता है, किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं आने चाहिए, मानसिक शुद्धि में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को अपने माइंड में नहीं लेके आना चाहिए, गोसिप चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अब रही बात वाचिक शुद्धि में, हमको किसी की भी बुराई, किसी की भी निंदा इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस तीनों प्रकार से व्रत रखा जाता है, तब जाके व्रत जो होता है वो संपूर्ण माना जाता है। अब हम पेस्ट इत्यादि तो नहीं कर सकते हैं, पानी का भी सेवन नहीं कर सकते, तो बड़ी ही कंफ्यूजन है कि आखिर कुल्ला कैसे करें। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आपको याचमन करना होता था, कुल्ला करना होता, तो आपको अपने हाथ की अंजलि मुद्रा बनानी होती, अर्थात आपके हाथ में जितना जल आ जाए, आपने हाथ में जल लिया, जितना जल आ जाए उससे आपको कुल्ला करना होता है, और ये प्रतिक्रिया आपको 12 बार करनी होती है, तो आपकी मुख की शुद्धि हो जाती है। अर्थात अपने हाथ को फोल्ड करना होता है, आपके हाथ में जितना भी जल आ जाए उसको पीकर, एक बार उसको पीकर आपको कुल्ला करना है, फिर दोबारा पीकर फिर कुल्ला करना है, वो पानी अंदर नहीं निकलना, ऐसा करना आपको 12 बार है। अर्थात 12 बार ऐसे करने से आपके संपूर्णतः मुख की जो है वो शुद्धि हो जाती है, और जब संपूर्णतः मुख की शुद्धि हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केवल और केवल कुल्ला करने के पर्पज से ही आपने अपनी अंजनी में जल लिया है, केवल कुल्ला करने के पर्पज से, उदर की शुद्धि के लिए नहीं, अर्थात अपने आप को शांत करने के लिए नहीं लिया कि आपको प्यास लग रही है और आपने कुल्ला कर लिया। और अगर कुल्ला करते वक्त एक आधी बूंद आपके पेट में चला गया तो इससे कोई भी व्रत टूटता नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। लेकिन आपने प्यास शांत करने के पर्पज से अगर ये करा है कि भैया मुझे बड़ी तेज की प्यास लग रही है, मेरी प्यास जो है वो शांत हो जाए, इसलिए आप बार बार कुल्ला कर रहे हो, तो ये शास्त्रों के विरुद्ध बताया गया है। तो कुल्ला करने के लिए अपने हाथ में अंजनी बनाइए, और उस अंजनी का आप लोग अंजनी बनाइए और उस अंजनी से आप लोग पानी का पान कीजिए, और फिर अपने मुंह को कुल्ला करके उस पानी को थूक दीजिए। ऐसा करना 12 बार अगर ऐसा करोगे तो मुख की शुद्धि हो जाएगी और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। लेकिन बार बार प्यास लग रही है और आप इसलिए कुल्ला कर रहे हो ताकि आपके गले को ठंडक मिले, तो ये शास्त्र विरुद्ध है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या थूक निकलने से व्रत टूट जाता है? तो ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई भी वर्णन नहीं आया है कि थूक निकलने से व्रत जो है वो टूट जाता है। एक बात को ध्यान रखिए
कि हमारा दिमाग फूक निकलने में और ना निकलने में जाता कहाँ है। एकादशी वाले दिन जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके माइंड दिमाग जो है वो भगवान के नाम के सिमरन में लगा रहे, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, ना कि थूक निकलने से व्रत टूट जाता है। वैसे तो थूक निकलने से कोई व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार का कहीं से कहीं तक कोई भी वर्णन नहीं दिया गया। लेकिन याद रखिए कि आप इस पर्पज से मत कीजिए कि हमारा कंठ सूख रहा है और हमारा कंठ सूख रहा है तो हमें शुद्धि मिल जाएगी, या फिर उस पर्पज से मत कीजिए कि थूक निकल लेते हैं हमारा कंठ सूख रहा है हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हो कि आपका विवाह कब होगा, आपके बॉयफ्रेंड के साथ क्या आपके विवाह की कोई संभावना है, या फिर आपके कितने गुण मिल रहे हैं, उनका नेचर आपके लिए कैसा है, या फिर आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा, मतलब किस फील्ड में आपका बच्चा जाने वाला है, उसको क्या हमको स्टीम दिलानी चाहिए, कौन सा ग्रह उसका प्रवाहित है, कौन सा ग्रह उसका सही है, ये सब कुछ आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि मेरा बच्चा जॉब करेगा या मेरा बच्चा बिजनेस करेगा। ये सारी जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।